हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मन्ना जिस मेन्यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लास्ट डे है अम्मी के घर से, तो आज जाएंगे, संडे है, और इंशाल्लाह शाम में हम लोग चले जाएंगे अपने घर। और आई होप कि आपको ये अम्मी के घर के वीडियोस जो भी मैंने अपलोड किए हैं 2 दिन के अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मोटिवेट तो करें कि हमें भी जो है और वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आए। फ्रेंड्स, तो चलिए, थर्ड डे है, संडे मॉर्निंग है, तो अब्बा जो है सुबह सुबह बाहर जा रहे थे और अपने पौधों को जो है यही ख्याल करते हैं अपने सारे पौधों का, तो गार्डन में वो देख रहे थे इधर उधर। और ये जो खरबूजे के प्लांट्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो छोटे छोटे इस तरीके से फ्लावर्स आ जाते हैं ग्रीन वाले, उसको तोड़ना चाहिए ऐसा अब्बा बता रहे थे, क्योंकि इसको तोड़ने से फल जो भी है वो हेल्दी होता है, इसलिए जो है ये अब्बा जो है तोड़ के फेंक रहे थे। अगर कभी मौका मिले तो अब्बा के साथ जो है टिप्स, प्लांट्स को घर में ग्रो करने के टिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें, यहाँ भी छोटा सा क्यूट सा जो है खरबूजा, तो बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है, सुबह का वक्त है, और क्लाइमेट तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठंडी है, बारिशों का मौसम है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब्बा जो है जा रहे हैं बाहर, तो सुबह सुबह अब्बा जो है सारे काम निपटा लेते हैं। तो अभी गेट बंद करेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी वॉक करेंगे, क्योंकि अभी सभी जो है घर पे सो रहे हैं अंदर, और भाभी जो है यानी कि मेरे बाद जो 2 भाई हैं उनमें से बड़े वाले की बीवी, जिसको मैं छोटे भाई की बीवी कहती हूँ, यानी कि हमारे घर में वो बड़ा है लेकिन वो हमसे छोटा है, तो उनको मैं आसी बोल के बताऊँगी तो आप समझ जाना। तो वो चाय बना रही हैं, हम लोग आ गए हैं आंगन में, और ये देखें आप कितनी खूबसूरत जो है ओस पड़ी हुई है पत्तों पर, बहुत ही जो है देखने में ये आँखों को नेचर जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये कीड़े मियाँ, सुबह सुबह इनकी भी जो है जद्दोजहद शुरू हो गई है, ज़िंदगी के तकालीफ़ों में इनको भी जो है हिस्सा लेना है, क्योंकि ये भी दुनिया में है। और उसके बाद आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय दोस्त के साथ, तो यहाँ पर हम लोग बैठते हैं सुबह सुबह और मज़ा लेते हैं चाय का, तो शाम में भी जो है यहीं पर होते हैं हम लोग। आंगन है तो उसका पूरा फ़ायदा हम लोग उठाते हैं अम्मी के घर में। और उसके बाद जो है इन्होंने बना दी थी खारी सेवई और पास्ता बच्चों के लिए, तो बच्चों ने जो है सारी प्लेट अपनी फिनिश की, आप देख सकते हैं पास्ता है तो इनको खाना है, और मामी के हाथ का पास्ता तो इनको बड़ा पसंद है। और उसके बाद हम लोग फिर से चले गए गार्डन में, क्योंकि बैंगन चाहिए थे हमें, बिरयानी बन रही थी, आज संडे था तो बैंगन के लिए हम लोग गए थे, और दिखाई ही नहीं देते झाड़ों में इस तरीके से, और छोटे वाले थे, अभी जो है इनको बड़े होने में टाइम लगेगा, 1 हफ्ते के बाद सारे जो है बड़े हो जाएंगे इस तरीके से। तो हमने तोड़ लिए जो भी हमें मिले बैंगन, तो अब इसका बनाएंगे दालचा। और फूल देखें आप, बेटी ने तोड़ के दिया है, और ये है बैंगन, तो दालचा बनाएंगे हमारा ट्रेडिशनल बिरयानी के साथ जो बैंगन का दालचा बनता है वो, उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और ये सारा किचन हमने खोल दिया है, मसाले वसाले पूरे आधा जो है काम हो गया है और आधा बाकी है। दालचा देखें आप पक चुका है, गरम मसाला और घी आखिर में इसमें ऐड किया जाता है ताकि इसकी खुशबू जो है बनी रहे। और बिरयानी के लिए सेम प्रेशर कुकर में हमने चढ़ा दी है ऑनियन, और ऑलमोस्ट जो है बिरयानी बन चुकी है, चिकन फ्राई हो रहा है। बिरयानी चिकन 65 के बगैर अधूरी है हमारी तरफ जो है, बिरयानी के साथ ये चिकन 65 कहें या चिकन पकोड़ा कहें, हमें ज़रूर ज़रूर कंपलसरी होता है फ्रेंड्स, तो बड़ा ही मज़े का होता है। मैंने शेयर की हुई है इसकी रेसिपी, अगर आप चाहें तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये है हमारी बिरयानी जो दम हो रही है अभी, तो चिट्टी मुट्टी आलू मटन बिरयानी है, इसकी भी रेसिपीज मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है, तो आप जाकर चेक करना, बहुत मज़े की होती है। और हमारे घर में जो है चिट्टी मुट्टी आलू बिरयानी का ही जो है खाना, बिरयानी पसंद करते हैं मेरा भाई और मेरे अब्बा, बासमती बोले तो इन लोगों को नहीं पसंद आती, इसलिए जो है चिट्टी मुट्टी आलू बिरयानी ही हम लोग बनाए थे। और बहन के बच्चे भी आए हुए थे, तो इस तरीके से हम लोग
फ्लोर पे बैठ के खाया, डिनर लंच एंजॉय किया, तो सब मिलके इस तरीके से खाएंगे तो मज़ा जो है दुगना हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो इस तरीके से हमने जो है संडे लंच को एंजॉय किया और उसके बाद हमने जो है रेस्ट लिया थोड़ी देर और शाम के हो गए हैं 6। अब जाना है हमें घर वापस, तो सारे जो है बैग्स हमारे पैक हो चुके हैं और मैं ले रही थी अम्मी के घर से एलोवेरा, क्योंकि ये मैं लगाऊंगी मेरे घर में गमले में इसको लगाएंगे, तो छोटा सा जो है मैंने एक तोड़ लिया है इसका रूट के साथ, तो इसको लगाएंगे और आपको दिखाएंगे लगाते वक्त इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं घर वापस। तो ख़त्म हो गया है वीकेंड और फिर से जो है शुरू हो जाएगा हमारा काम ताम झाम सब कुछ। तो ये हम लोग आ गए हैं वापस घर और आते ही जो है सब कुछ काम शुरू हो गया है। धूल हो गई थी घर में तो उसको साफ़ किया है, और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो जो डेली वाले होते हैं कभी नहीं रुकते। तो आई होप कि आपको ये हमारे 3 डेज़ के ब्लॉग्स जो है फ्रेंड्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अगर इस तरीके के ब्लॉग्स आपको देखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।